नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो दोस्तों, ये सीरीज हमारा पावर बीआई का चल रहा है, जिसमें हमने पिछले तीन वीडियोज के अंदर में हमने पावर बीआई को इंस्टॉल करना, आईडी बनाना, उसकी लर्निंग सपोर्ट लेना और साथ में हमने उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताया। आज हम पावर बीआई के अंदर में चलते हैं। आज जो है होम मेनू के अंदर में हम आपके पास डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा विजुलाइजेशन होता है, यहाँ पर फील्ड होता है, यहाँ पर कैनवस होता है। तो हम होम मेनू बार के जो फंक्शन हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं और देख रहे हैं गेट डेटा। गेट डेटा, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें हम डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं। कि डेटा को किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि पावर बीआई सिर्फ एक्सेल को ही नहीं, कई सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डेटाबेसेस, जैसे एक्सेल है, पावर बीआई डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, एनालिसिस सर्विस है, टेक्स्ट है, वेब है, ओ डेटा फीड है और यहाँ पे ब्लाइंड क्यूबी वगैरह है। और इसके अलावा मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे डेटाबेसिस का यहाँ पे लिस्ट आएगा। लेकिन इन सबों की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है। हम फिलहाल बात कर रहे हैं एक्सेल, कि हम एक्सेल के डेटा को कैसे लेके आएंगे अपने एनालिसिस करने के लिए। तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ लोकेशन बताएंगे कि मेरा डेटा है कहाँ। यहाँ पे मेरा डेटा वन करके हमने जस्ट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा, टाइमिंग आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास उस डेटाबेस में जितने भी सीट्स होंगे उसका लिस्ट आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सीट वन को हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करते ही आप देखिए कि सीट में जितने भी डेटा है वो डेटा के आ गया। अब इसमें हम डायरेक्ट इसको अपने बीआई टूल्स के सॉफ्टवेयर पर लाना चाहते हैं तो आप लोड कर सकते हैं। अगर आप एडिट करते हैं तो ये पावर क्यूरी एंड पावर पिवट में चला जाएगा। पावर क्यूरी एंड पावर पिवट क्या है, ये एडवांस एक्सेल की क्लासेस में हमने बताया था। इसके अलावा हम इस वीडियो सीरीज में भी इसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन तत्काल आप जानना चाहते हैं कि पावर बीआई क्या है, तो मेरे चैनल पे जाए, वहाँ से पावर पिवट एंड पावर क्यूरी के बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं लोड पे क्लिक करता हूँ। लोड पे क्लिक होते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम डिपेंड करता है डेटा का साइज के ऊपर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जितनी सीट के अंदर जितने भी डेटा था सारा आ गया। इसमें देखिए, जिसके अंदर में ये जो समशोर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये नंबर का फील्ड है। जिस पे नहीं लगा हुआ है वो नंबर का फील्ड नहीं है। तो जितने भी फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स यहाँ पे आपको आएंगे। जैसे कि सीट वन है, सीट वन में देखिए यहाँ पे तीन डॉट्स है, इसको मोर ऑप्शन का सिंबल कहा जाता है। इस पर क्लिक करते हैं आपकी इसमें न्यू ऑप्शंस आएंगे। इसमें देखिए न्यू मेजर्स एंड न्यू कॉलम, ये पार्ट जो है आपका, जो तीन पार्ट जो दिख रहे हैं ये आपके पावर बीआई, पावर पिवट एंड पावर क्यूरी के हैं। इस पर आगे डिस्कस करेंगे हम। रिफ्रेश डेटा, डेटा को रिफ्रेश करने के लिए। अब रिफ्रेश डेटा क्या हुआ कि मैं जिस एक्सेल से इस फाइल को कनेक्ट किया हूँ, उस फाइल के अंदर मान लीजिए कि मैंने कुछ डेटा ऐड किया या कोई डेटा डिलीट किया, तो रिफ्रेश करते ही हमारे यहाँ पे क्यूरी अपडेट हो जाएगा, जैसे ये पिवट टेबल में होता है। एडिट क्यूरी वही आपको पावर बीआई पे, सॉरी पावर पिवट एंड पावर क्यूरी पे चला जाएगा। रिनेम, डेटा को रिनेम करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे सीट वन को हम करना चाहते हैं डेटा, तो डेटा आपका आ गया, चेंज हो गया, यहाँ पे डेटा हो गया। उसके बाद इसको डिलीट करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो या इसको हिडन, मान लीजिए हमने इसको हाइड कर दिया पहले, तो यहाँ पे आपका एक ही टेबल था उसको आपने हाइड कर दिया, तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हिडन ऑल, अनहिडन ऑल कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाए। उसके अलावा इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू हिडन, अनहिडन ऑल,
कोलैप्स करना अनुभव, जो यहाँ से होता है मतलब वही चीज़ हम यहाँ से भी करते हैं, एक्सपेंड करना अनकोलैप्स करना। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि ये डेटा आखिर आया कहाँ से है, इसके बारे में मुझे जानना है, इसके बारे में कुछ करना है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि दिस इज़ सेल्स ताकि अगर कल इन फ्यूचर में अगर हम इसकी फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहें तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। अभी तो देखिए हमारे डेटा में बहुत ही कम रोज है, कम हेडिंग्स है, लेकिन हो सकता है कि आपका बड़ा डेटा वहाँ पर 100, 200, 300 हेडिंग हो, तो हेडिंग को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया क्वान्टिटी, तो जो भी क्वान्टिटी होगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, वापस हटाएंगे तो हट भी जाएगा। अब बात करते हैं कि डेटा को कैसे यूज करते हैं। जैसे पिवट टेबल अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे इस कन्वेस एरिया में, इस तरह से इसको ही होता है। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी, किस सिटी में कितना सम हुआ है, तो मैं सिटी को उठाऊंगा और इस पर रख दूंगा, या फिर मान लीजिए मैं क्लिक कर दूँ फिर वहाँ भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पर मैंने दे दी क्वान्टिटी। अब सिटी को इसने ले लिया है, देखिए मैप पे क्लिक था तो यहाँ पे ले लिया है, एरिया के हिसाब से इसने ले लिया है। लेकिन मुझे सिंपल डेटा चाहिए या किसी और फॉर्म में चाहिए और विजुलाइजेशन में चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिवट टेबल के यहाँ पर रखते चले जाइए, यहाँ पे डेटा आते जाएगा और दूसरा आपका ये फील्ड आते जाएगा, जस्ट लाइक पिवट टेबल के हिसाब से वर्क करता है। और यहाँ पे इसके और भी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं डेटा पे क्लिक किया तो डेटा यहाँ, तो डेटा पे डिफ़ॉल्ट कभी डेटा पे आता है आपका, या कभी आपका ये जो सिलेक्टेड होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैंने रीजन सेलेक्ट मैप सेलेक्ट कर रखा तो मैप बाय आया था, और इस पे सेलेक्ट कर दिया तो इसके हिसाब से। तो अलग अलग तरीका है आपका कि इस पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा, इस पे करेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। तो जो आप चार्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो चार्ट को आएगा, और चार्ट के साइज को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करें और अपना रिपोर्ट को आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे इस पावर बीआई की चैनल को आगे कंटिन्यू देखते रहें, और आप चाहते हैं हमारे साथ एडवांस एक्सेल और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में अच्छे तरीके से सीखना, डेटा एनालिसिस को सीखना, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है वेपेक्स के जरिए, और हम लोग क्लासेस जो देते हैं वो क्लासेस लाइव देते हैं, हम आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट होंगे और हम इस क्लासेस को आपके साथ फॉलो करेंगे। पहले हम दो तीन क्लास डैमो देते हैं, अब तो हमारी क्लासेस को डैमो तौर पर लेने के लिए वेबसाइट ipt.india.com पे जाएं, वहाँ से डैमो क्लासेस का फॉर्म भरें और कुछ डैमो क्लासेस को लें। अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।